अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमारा दुश्मन बहुत शातिर है, उसने वो वीडियो डिलीट कर दी ताकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत ना रहे। मेरा बच्चा, क्या ला मेरा बच्चा, मार डालेंगे वो मेरे बच्चे को, मार डालेंगे, मैं नहीं जिंदा रहूंगी, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मैं भी मर जाऊंगी, चुप हो जाओ और एक भी लफ्ज बोला ना तो एक और लाफा लगाऊंगी। अल्लाह पे यकीन रखो गुलनाज, रोहन को कुछ नहीं होगा। मैं क्या यकीन रखूं अम्मी, मेरा बच्चा, मेरा रूहान। अम्मी हमने वो वीडियो देखा, वो कितनी बेदर्दी से मेरे बच्चे को मार रहे हैं, उसमें मेरे बच्चे को, मेरा रूहान, मैं कैसे संभालूं खुद को अम्मी, मैं कैसे संभालूं मेरा बच्चा, मेरा रूहान बहुत तकलीफ में है अम्मी। हम सब भी रूहान से बहुत मोहब्बत करते हैं रूहान। तू उसकी अम्मी है तो मैं उसकी दादी अम्मी हूँ। असल से सूद से ज्यादा प्यारा होता है, उसके लिए मेरा दिल भी बहुत रोता है। हीना तो उसे अपने सगे औलाद से भी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन दुआ, दुआ उसे देवर ही नहीं बल्कि एक दोस्त, एक भाई, अपना हमदर्द समझती है। तो क्या हम सबको भी मर जाना चाहिए? मरना नहीं है, मारने वाले को सबक सिखाना है, समझी? आज आपकी बात मेरे जख्मों का मरहम नहीं है अम्मी, मेरा दिल खून रो रहा है अम्मी, मुझे सांस नहीं ली जा रही, मुझे सांस नहीं ली जा रही अम्मी। फिक्र मत कीजिए रूहान की अम्मी, सबसे बड़ा अल्लाह है, अगर वो एक रास्ता बंद करता है ना तो 100 रास्ते खोल देता है, चाहे जो हो जाए। रूहान को आज हम घर वापस ला कर ही दम लेंगे, और वो भी सही सलामत। और ये मेरी तसल्ली नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। खुदा तुझे हौसला दे दुआ, तू ही मेरी गोद को सुनी हो इसे बचा सकती है। यही तो मैं चाहती थी दुआ, तुम रूहान को वापस लाने के लिए घर से बाहर जाओ और मैं यहाँ आज रात अपने हैदर की बाहों में समा जाऊंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।